सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, दीपावली बाद 4 नवम्बर 2024 को बिहार सरकार ने बड़ी बैठक बुलाई है। जानिए बिहार के 45 विभागों में किस किस विभाग के फाइलों पर मोहर लगेगी और बैठक में क्या क्या बातचीत होगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अभी बिहार के अंदर क्या चल रही है, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ठीक है। और इससे पहले एक सप्ताह पहले ही आपको पता होना चाहिए जो 2 लाख आपको जो है 2,11,000 समथिंग आपको जो है सभी आयोग को अधियाचना भेज दिया गया है, जो ये वैकेंसी आ जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग में आपको CHSO की वैकेंसी आ गई है। तो ये बैठक जो बुलाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है बिहार के 4500 विभाग के लिए, ठीक है। और किस किस विभाग में कितने पदों पर वैकेंसी निकल के आएगी ये आपको भी पता होना चाहिए। ये पहला ही जो है बिहार सरकार के द्वारा बता दिया गया है इस विभाग में इतने पदों पर वैकेंसी निकल के आएगी और किस आयोग को, ठीक है, किस वैकेंसी के लिए अधियाचना दिया गया। तो इसलिए जो है दीपावली बाद ये बैठक बुलाया गया और इसमें अहम निर्णय लिया जाएगा बिहार के 4500 विभाग के बारे में, जो है अहम निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये सभी वैकेंसी को क्लियर करना है, समझे। इसको लेके देखिए आपको पता होना चाहिए, 15 को जो है कैबिनेट बैठक हुआ, 22 को हुआ है और ये बैठक बुलाया गया, ये कैबिनेट बैठक नहीं है, बैठक बुलाया गया, ठीक है। ये भरवली बैठक बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, हर चीज करने के लिए जो बिहार के 4500 विभाग में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके लिए ये अहम बैठक बुलाई गई है, समझे कि नहीं। उसमें हर चीज बातचीत होगी, इसके बाद फिर कैबिनेट बैठक होगी। आपको लगेगा जी यही कैबिनेट बैठक होगी, नहीं, ये सिर्फ आपको जो है 4 नवम्बर को बैठक बुलाई गई है, इसमें अहम निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है अभी समय है तो आपको ऑफिशियल साइट पे नोटिस भी देखने को मिल सकती है, 4 नवंबर को हो सकता है कैबिनेट बैठक भी हो सकती है, समझे कि नहीं। बट वैसे अभी भरवली ये बैठक बुलाई गई है, समझे, इसमें अहम निर्णय लिया जाएगा। अभी देखिए टीचर सबको पेमेंट नहीं मिल पाया है, बोला गया था जो 25 अक्टूबर से ही पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। वैकेंसी को लेकर बातचीत होगी, उसके बाद अभी बहुत सारे जो है ना टॉपिक पर बातचीत किया जाएगा, समझे कि नहीं, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। एक लाइन में आप समझ लीजिए जो बिहार के 4500 विभाग है, तो 4500 विभाग में क्या क्या चल रही है, विभाग के अंदर क्या हो रही है, समझे, उसके बारे में ये बैठक बुलाई गई है। उसके बाद हो सकता है तो इसी दिन आपको कैबिनेट बैठक होगी या नहीं तो एक दो दिन बाद, मतलब छठ पूजा बाद भी हो सकती है, छठ पूजा के पहले भी आपको कैबिनेट बैठक हो सकती है, समझे। तो ये पहले अहम निर्णय लिया जाएगा, अहम बिंदु पर बातचीत होगी, उसके बाद फिर हो सकता है तो कैबिनेट बैठक होगी, समझे कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, इसीलिए बार बार कर रहे हैं सभी स्टूडेंट को, जो बिहार के 4500 विभाग में आप कोई भी वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मत कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी तो आएगी ही, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो आ ही रही है, वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या स्वास्थ्य विभाग में हो, ठीक है, या CGL4 हो, TRE4 हो, सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अधियाचना जब भेज दिया गया है तो वैकेंसी आपको आगे पीछे सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। आप लोग सोचते हैं पहले वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, इसीलिए आप पीछे हो जाते हैं और भी बच्चा आपसे आगे निकल जाता है, इसीलिए क्यों, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहा है, समझे कि नहीं। और आपके जैसे लाखों बच्चा जो है तैयारी कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं और बच्चा सब तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है, खासकर जो है वैकेंसी को लेके बैठक बुलाई गई है, समझे कि नहीं। अब देखिए इस बैठक में क्या क्या बातचीत होती है, तो फिर से हम अलग से आपको वीडियो बना दिए, जस्ट आपको दीपावली बाद बताइए, दीपावली बाद आपको जो है 4 नवंबर को ये बैठक बुलाया गया है, समझे कि नहीं। तो इस बैठक में क्या क्या बातचीत होगी, हर चीज होगी, क्योंकि सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के बारे में ज्यादा फोकस अभी किया जा रहा है, क्योंकि इस बार रोजगार का मुद्दा ही बनेगा, समझे कि नहीं, ये वैकेंसी मुद्दा ही बनेगा, सरकारी जॉब और रोजगार ही मुद्दा बनेगा, देखिएगा 2025 के इलेक्शन, समझे कि नहीं। इसीलिए इस पर जोर दिया जा रहा है और बार बार जो है एक महीना में 2-3 आपको बैठक हो रही है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, पिछला महीना में एक ही हुआ, इस महीना में देखिए 2 हो गया, अब फिर देखिए नवम्बर में लगभग 3-4 हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसी पर जो है, क्योंकि
सभी 4500 विभाग में अभी नियमावली पर मोहर लगेगा, उसके बाद जो है पदों को स्वीकृति किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसीलिए ये अहम बैठक हो रही है। तो दोस्तों इसलिए हम आपको जानकारी दे दी है, जो बिहार के 4400 विभाग में अगर आप, ठीक है, 4500 विभाग में, 44 से 45 विभाग में आपको जो अगर तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार नहीं कीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, समझे कि नहीं। और इस बैठक में जो जो निर्णय लिया जाएगा, जो जो टॉपिक पर बातचीत होगी, हर चीज होगी, फिर अलग से हम आपको वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में जो भी जानकारी देना था हम आपको दे चुके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखिए बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जाता है, तो फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।